टाइम न्यूज समूह की ओर से आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। इंदौर चंदनगर पुलिस ने पूर्व पार्षद और उसके अन्य साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पूर्व पार्षद के खिलाफ पूर्व में दुष्कर्म की धाराओं में थाना खजराना पर मामला दर्ज किया गया था। पूर्व पार्षद और उसके साथियों द्वारा पीड़ित महिला के बच्चे को बंधक बनाकर धमकाया था। मामला इंदौर के चंदनगर थाना क्षेत्र का है। यहाँ के रहने वाली पीड़िता ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि उसके द्वारा पूर्व में थाना खजराना पर अनवर दस्तक के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में मामला दर्ज कराया था। उसके बाद से ही अनवर दस्तक और उसके साथियों द्वारा उसे धमका रहे हैं। वो उसके घर में घुसकर बच्चे को बंधक बनाकर मोबाइल का पासवर्ड पूछकर उससे उसका डाटा डिलीट किया गया है। पुलिस के मुताबिक मोबाइल में महिला के पास आरोपी अनवर दस्तक के खिलाफ सबूत, वॉइस रिकॉर्डिंग और अन्य डाटा था, जिसे आरोपी अनवर दस्तक और उसके साथियों द्वारा डिलीट किया गया। फिलहाल फरियादी महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। महिला द्वारा यह रिपोर्ट की गई है कि उसने जब थाना खजराने में रिपोर्ट की थी, उसके बाद से अनवर दस्तक और उनके आदमी द्वारा उसे घर पर आके धमकाया गया और उसके बच्चे को ले जाकर उसके जो मोबाइल था उसमें से कुछ उसके पासवर्ड वगैरह लेकर उसके डाटा वगैरह डिलीट किए गए। इस संबंध में थाने पर पकड़ा पंजीबद्ध कर लिया गया है, जो विवेचना में लिया गया है। किस प्रकार से धमका रहा था? महिला का कहना है कि जो मोबाइल में उसके डाटाज थे, कुछ जो वॉइस रिकॉर्डिंग वगैरह थी, उसको उसने बच्चे को ले जाकर उसको डिलीट कराया है और धमकी दी है मारने की। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। आई प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।